हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको कढ़ाई पनीर के बारे में बताऊंगी। कढ़ाई पनीर के लिए हमने देखिए ये शिमला मिर्च, टमाटर, पनीर और प्याज जो कि मोटे मोटे टुकड़ों में काट के और थोड़ी सी सी हरी मिर्च, ये सब मोटे मोटे टुकड़ों में काट के हमने रख लिया है। देखिए ये हमारे टमाटो केचप है। टमाटो हमने रॉ कच्चे टमाटर काट के इसको मिक्सी में पीस के रख लिया है। ये हमारा गरम मसाला है, ये हल्दी है, ये लाल मिर्च है और ये धनिया है, ये नमक है। लाल मिर्च हमने बहुत थोड़ी सी ली है, हमें थोड़ी ही डालनी है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने गैस ऑन करके फ्राई पैन रख लिया है, पैन रख लिया है। इसमें हम 3 चम्मच हमने इसमें ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। हम अपनी चीज़ें मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं, तो पैन में हमने ये डाल दिया है। इसके बाद हम जीरा डालेंगे, थोड़ा सा तड़कने के लिए जीरा डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा चटक गया है इसमें। फिर इसके बाद हम प्याज डाल के, प्याज डाल के हम इसको सौते कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज मोटे मोटे टुकड़ों में कटी हुई है, मोटे मोटे टुकड़ों में कट के, जिससे ये मुंह में आती हैं कढ़ाई पनीर में, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। इसे हम सौते कर रहे हैं हल्की गैस, फ्लेम हमारी स्लो है, स्लो गैस पर हम फ्लेम पर इसको सौते कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर थोड़ा थोड़ा बदल रहा है और ये ट्रांसपेरेंट होने लगी है। अब ये हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसके बाद हम इसे इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, जो कि इसे भी हमने चौकोर टुकड़ों में काटा है, इसे हम, फ्रेंड्स देखिए शिमला मिर्च भी हमारी काफ़ी कुछ पक गई है। और ये थोड़ी सी पकने के बाद में हम इसको अच्छे से चला रहे हैं। अच्छे से चला के अब इसमें हम अपना टमाटो जो कि बारीक टुकड़ों में डाल दिया है, इसको हमने कम ही डाला है क्योंकि इसके साथ में हम इसको इसको पीस के भी हम डालेंगे, इसलिए हमने इसको टमाटो थोड़ा ही डाला है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद अब इसमें हरी मिर्च जो लंबे लंबे टुकड़ों में काट के डाल दी है, उसे डाल रहे हैं और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इसे हमने थोड़ी देर के लिए इसको लिड लगा दी है और इसे ढक दिया है। फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये लगभग बन के तैयार हो गई हैं। थोड़ा सा इसको चला के अब हमारी ये बन गई हैं। अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, वापस इसे हम पैन को गैस पे रख कर इसमें प्याज टमाटर जो हमने बारीक पीस ली है, फ्रेंड्स देखिए अभी हमने इसमें पैन हमारा गर्म हो चुका है। हम ऑयल कम ही डालेंगे, इसलिए हमने इसको बहुत कम ऑयल में बनाया है। देखिए अब हमने प्याज टमाटर इसको पीस के इसका पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमने थोड़ा सा लहसुन भी, चार पाँच कलियाँ हमने इसकी लहसुन की डाल के इसको पीस लिया है बारीक। हमने एक साथ ही इसको पीस लिया है और इसे हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे इसे हम। फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये थोड़ा सा पक गया है मसाला। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून धनिया डाला है। देखिए इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाला है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून इसमें हमने नमक डाल के इसको हमने चला दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा टमाटर प्याज पकता रहेगा, साथ में इसका मसाले का कच्चापन भी निकलता रहेगा। इसको हम अच्छे से चलाएंगे
और जब तक भूनेंगे जब तक ये हमारी कढ़ाई ना छोड़ दे। देखिए हमारा मसाला भुन रहा है, ये भुन के करीब करीब तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ी सी हमने 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स अगर जो चाहे जो लोग इसमें अदरक खाना चाहते हैं वो अदरक डाल सकते हैं, हमें अदरक पसंद नहीं है तो इसलिए हमने अदरक नहीं डाला है, चाहें तो हम इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अब इसमें अपनी जो वेज हमने शुरू में भुनी थी वो सारी वेज डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, स्लो फ्लेम कर दिया है, लो फ्लेम पे हम बहुत अच्छे से इसको धीरे धीरे भून लेंगे। कढ़ाई हमारी छोड़ दिया है, कढ़ाई मसाले ने धीरे धीरे कढ़ाई छोड़नी चालू कर दी है। अभी लो फ्लेम करके थोड़ी देर के लिए हम इसको लिड लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम वाली गैस पे हमने इसे रख दिया है और इसको हम अब इसकी लिड लगा देते हैं। थोड़ी देर के लिए पक जाएगा फिर हम इसको तैयार करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी वेज बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें मलाई डालेंगे थोड़ी सी, हम ताज़ी दूध की मलाई जो हमने निकाली है अभी दूध में से, तो आप देखिए गाढ़ी गाढ़ी मलाई हमने टू स्पून मलाई इसमें डाल के हम इसको चला रहे हैं। धीरे धीरे हल्की फ्लेम हमारी स्लो है, लो फ्लेम पे ही हमें सभी चीज़ें बनानी हैं जिससे मलाई का कच्चापन निकल जाए, इसलिए हम थोड़ी देर मलाई इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब इसका मलाई अच्छे से मैश हो गई है, मसाले में मिल गई है और इसमें कच्चापन इसका निकल चुका है। फ्रेंड्स अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे। पानी डाल के देखिए आप, और थोड़ी सी देर के लिए हमें एक उबाल आने पे गैस हमारी हम इसको तेज़ कर देंगे हाई गैस पर। हमारी देखिए इसमें हम एक उबाल आने तक इसको ढक देते हैं फ्रेंड्स देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसको गैस को स्लो करके हम इसमें अपना पनीर डाल देते हैं। पनीर डाल देंगे और इसे हल्के से हिला देंगे जिससे हमारा पनीर टूटे ना, और 2 मिनट के लिए अपने लिड को लगा देंगे। हम लिड लगा के हम गैस को लो करके हम इसे पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स देखिए अब हमारी ये बनके तैयार हो चुकी है। करीब करीब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से डाल देंगे और अपनी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। 2 मिनट के लिए अपना इसका लिड लगा के हम इसे छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं और अपना ये लिड हम हटा के निकाल के इसको और हम अपनी सर्विंग प्लेट में बाउल में इसको निकाल देते हैं, कांच के बाउल में निकाल के सर्विंग के लिए। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये बनके कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। फ्रेंड्स देखिए अब मेरी ये कढ़ाई पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आया है। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हैप्पी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।